हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों से बचने के लिए और अपने शरीर को तरोताज़ा ठंडा रखने के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं शिकंजी मसाला और उससे जुड़े हुए दो फ्लेवर के शरबत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने गैस पे पैन चढ़ाया और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया। उसमें डालेंगे 2 चम्मच जीरा। जीरा को हम हल्का गोल्डन होने तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करेंगे, और इसे हम 1 से 2 मिनट स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च, और इसे भी हम 1 मिनट तक गैस ऑफ करके भूनेंगे, क्योंकि पैन गर्म है तो उतना काफ़ी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और साथ ही साथ इसे ठंडा करके मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम 1 बड़ा चम्मच नॉर्मल नमक जो यूज करते हैं वो डालेंगे, 1.5 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच सौंफ। फिर इसमें 3 छोटी इलायची और 1 चम्मच अदरक का सोंठ, जो सूखा अदरक का सोंठ आता है ना, वो डालेंगे। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ऐसा पाउडर बनकर तैयार होगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ डालना भूल गई हूँ जो अब मैं ऐड कर दे रही हूँ, वो है 2 चम्मच नॉर्मल जीरा। हमने 2 चम्मच भुना हुआ जीरा डाला था, अब 2 चम्मच नॉर्मल जीरा डालूँगी। मैं डालना भूल गई थी, मैं वीडियो में फिर से करके दिखा रही हूँ। आप जब पहली बार मसाला डालें उसी में डाल दें। और इसे फिर से चला लिया तो देखिए ये पूरा पाउडर बनकर तैयार हो चुका। तो यहाँ पर हमारा शिकंजी मसाला बनकर तैयार हो चुका। हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। आप एक बार इस मसाले को बना लें और पूरी गर्मी इंजॉय करें, और इसे आप चाहे तो छाछ में, रायते में या किसी भी तरह का ड्रिंक बनाएं उसमें आप इसे मिला लें। ये काफ़ी स्वादिष्ट भी बनता है और मन को काफ़ी तरोताज़ा करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे तरबूज की शिकंजी, जो काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होता है। इसे पीते ही मन को ताजगी मिलती है। तो यहाँ हमने 2 कप के अंदाजे तरबूज को कट कर लिया है और उसके थोड़े बहुत बीज निकाल दिए हैं, थोड़े बहुत है भी, तो चलाते समय मिक्सी ग्राइंडर रुक रुक कर चलाएंगे वरना बीज सारे पिस जाएंगे। अब इसे हम एक छन्नी की हेल्प से छान लेंगे। जो भी इसके अंदर बीज वगैरह होंगे वो ऊपर रह जाएंगे और एक फाइन जूस बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब चलते हैं हम इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ हमने ग्लास में इच्छा अनुसार आइस क्यूब डालेंगे और फिर इसमें हम शिकंजी मसाला डालेंगे जो लगभग 1/2 चम्मच है। 2 चम्मच पिसा हुआ चीनी डालें। पिसा हुआ चीनी अगर नहीं पीना चाहते तो आप इसकी जगह पे हनी भी डाल सकते हैं। फिर जो हमने जूस तैयार किया है उसे डाल दें। तरबूज शिकंजी को और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर हमने सब्जा सीड्स का इस्तेमाल किया है। हमने सब्जा सीड्स को 15 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब फुला हुआ सब्जा सीड्स 1 से 2 चम्मच इस ड्रिंक के अंदर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा गार्निश कर देंगे पुदीने के पत्ते से और एक नींबू की स्लाइस से। और ये लीजिए, मेरा हेल्दी ड्रिंक तरबूज शिकंजी बनकर तैयार हो चुका, जो मार्केट से काफ़ी अच्छा और शुद्ध है। तो चलिए अब हम दूसरे फ्लेवर की नींबू शिकंजी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच शुगर पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच से ज़्यादा शिकंजी पाउडर, 1 नींबू का रस और इसमें इच्छा अनुसार आइस क्यूब और ठंडा पानी डाला, और इन सब को थोड़ा सा पुदीने पत्ते के साथ मिलाकर मिक्स कर दें। और ये लीजिए, मेरा दूसरा फ्लेवर का भी ड्रिंक तैयार हो चुका। इसे हम थोड़ा पुदीने पत्ते से गार्निश करेंगे और एक नींबू की स्लाइस डालेंगे। और ये दोनों फ्लेवर के ड्रिंक्स तैयार हो चुके। अब आप इसे पिए और गर्मी में तरोताज़ा रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।